तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने शानदार मैंने फ़ोटो एडिट कर रखे हैं, यानी कि बैकग्राउंड चेंज कर रखा है। ऐसे आप भी कर सकते हो। बहुत सारे भाई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो को भी बनाया है और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो ऐसे फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर नहीं देखोगे तो बाद में बोलोगे कि यार हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है, बहुत आसान तरीका है। तो वीडियो देखने के बाद आपका जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इस रिएक्शन के बाद अपन जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ऐसे फ़ोटो एडिट करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल का जो डाटा है वो ऑन कर लेना है। मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिए, तो सिंपली आपको अपना ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जीरो का दबा कर रख लें तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बैकग्राउंड बीजी। जी हाँ, बैकग्राउंड बीजी। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड बीजी यहाँ पर लिख लिया है। तो सिंपली आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, रिमूव इमेज बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे सिंपली इसको आपको खोल लेना है। जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे आपके सामने ओरिजिनल पेज नहीं आएगा इसका। तो ओरिजिनल पेज लेने के लिए इस वेबसाइट का यहाँ पे आपको कोने में व्यू ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा। तो व्यू ओरिजिनल पे इसको ले जाकर यहाँ पर ओके करना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे जो साइट है उसका ओरिजिनल पेज आपके सामने आ जाएगा। तो अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपके सामने ये साइट का ओरिजिनल पेज आ जाएगा तो यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड इमेज। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वापस से एक बार लाल बटन दबा के बैक ले लेना है। यहाँ पर वापस से आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो अपलोड इमेज पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फ़ोटो एडिट करना है सिंपली उसे आपको गैलरी से ले लेना है या कहीं से भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को एडिट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो लेने के बाद डन कर लीजिएगा। जैसे आप डन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना बैकग्राउंड है वो हटने वाला है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना बैकग्राउंड है वो हट चुका है। तो सिंपली आपको अगर यहीं से आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अपन को बैकग्राउंड चेंज भी करना है, बहुत शानदार सा बैकग्राउंड वापस पीछे लगाना है, तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इस एडिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों एडिट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक दबा करके इस जो स्क्रीन है उसको छोटा कर लेना है। जैसे आप छोटा करोगे तो यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो बैकग्राउंड को आपके मन पसंद से, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं अभी तो क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करके वहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। बहुत सारे के क्या है यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है, तो वो घबराने की बात नहीं है, दोबारा प्रयास करना तो हो जाएगा। तो सिंपली अभी अपन इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो बैकग्राउंड के साथ मिलेगी। तो यहाँ से आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे कोने में। तो कोई कोई मोबाइल में क्या होता है, डायरेक्टली बाहर निकल जाता है साइड से मोबाइल, लेकिन कोई के नहीं होता है। तो आपको बार बार प्रयास करते रहना है और आपका एक ना एक बार तो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसा लगा है। तो सिंपली आपको कोई सा भी यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सिंपली उस तीर को वहाँ पर ले जाना है और ले जाने के बाद इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना फ़ोन है वो बाहर निकल चुका है, लेकिन बार बार आपको प्रयास करते रहना है, आपका वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने बहुत सारी कर ली है इसलिए मेरा फ़ोन अब कर नहीं रहा है, लेकिन आपका कर लेगा। तो यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।